Good morning. Welcome at my online portal of Physics. ITJ or NEET के प्यारे स्टूडेंट, मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन चल रहा था, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन स्टडी करने हैं, जिसमें से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो गया है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जितना टाइम लेता है, कितने टाइम तक हवा में ठहरता है जो प्रोजेक्टेड बॉडी है, फिर जिसका नाम प्रोजेक्टाइल आप लेते हैं, उसको टाइम अप्लाइड होते हैं, और ग्राउंड पर जहाँ से उड़ा जहाँ पर गिरा वो जो डिस्टेंस होती है हॉरिजॉन्टल रहे, या सीधे साधे शब्दों में केवल रेंज बोलते हैं। और उड़ान के दौरान जो मैक्सिमम ग्राउंड से जो वर्टिकल डिस्टेंस है, मैक्सिमम हाइट, ये तीन चीज़ें बहुत ठीक है। लीजिए कुछ और चीज़ें सीखते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन। किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो वो पैराबोलिक ट्रैक पर चल रहा हो तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। और ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है, प्रोजेक्टाइल मोशन कराने के लिए कौन सबसे जिम्मेदार है, तो जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी ना होता तो जिस तरफ फेंकते उसी तरफ हो जाता है, स्ट्रेट लाइन पर मोशन होता है इसका। जरा सीन को समझिएगा, यू वेलोसिटी थीटा है, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर ओ डैश पर ही घूम रहा है, ओ डैश पर। इस समय वेलास्टिक डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलास्टिक निकालने का तरीका है टेंजेंट ड्रा कर दिया, यहाँ पर वेलास्टिक टेंजेंट ही रिप्रेजेंट करता है वेलास्टिक का डायरेक्शन। चलिए, जैसे हम टकराते समय वेलास्टिक देखना चाहें, इस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ठीक इसी डायरेक्शन में। और एक खास बात है, जितनी वेलास्टिक उड़ेगा उतनी वेलास्टिक से गिरेगा, ये वेलास्टिक। और खास बात, जो एंगल आप प्रोजेक्शन है वही यहाँ पर टकराते समय वही एंगल करता है, यानी ये वाला एंगल ठीक है। याद रखिएगा, जितनी वेलास्टिक से किसी बॉडी प्रोजेक्ट किया जाता है सेम वेलास्टिक से ग्राउंड से टकराता है, तो सेम एंगल थीटा भी मिलता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलास्टिक कंपोनेंट यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा। आज को बच्चे डिस्कस करने में रहा है टोटल जो टाइम लगता है टी है, और टॉप ये पीक पे पहुंचने में जो समय लगेगा वो टी बाई टू होगा, जो डिस्टेंस कवर करता है वर्टिकली ये हाइट है कैपिटल एच। कोई पूछे हाइट कब मिलती है, टाइम के टर्म बताइए, हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के जस्ट हाफ टाइम पर, कैपिटल टी बाई टू टाइम पर डिस्टेंस एच मिलेगी। या एक्स की फॉर्म बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स वैल्यू वही रेंज है कैपिटल आर, तो जब एक्स वैल्यू आर बाई टू हो जाए जो वाई होगा वही एच, कई तरह से इसको बोल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट टी होता है 2u sin थीटा, और यहाँ पर u sin थीटा किस डायरेक्शन वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है y एक्सिस के लॉन्ग 2, और u sin थीटा पूरे को स्मॉल से स्मार्ट नोटेशन में यू वाई रखते हैं, यू वाई वाई, यानी y एक्सिस के लॉन्ग अगर वेलोसिटी पता हो तो डबल करके जी से गिन लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। सेकेंड, रेंज क्या होता है, रेंज देखिए भाई डिस्टेंस ही है, और रेंज माने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो कौन सा फार्मूला लगा दें, डिस्टेंस वाला, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जरा देख लीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक्चुअल फार्मूला है। अगर इसी में एक्सेलरेशन ना हो
तो क्या बस इतना हो जाए यूटी। और इसको शब्दों में बोलिए तो क्लास नाइन्थ की याद आ जाती है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड यू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ऐसा बोलते थे पहले, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड यू टाइम। हाँ ये भी फार्मूला जो क्लास नाइन्थ का है गलत नहीं था, बस वहाँ पर थोड़ा सा बाउंड्री नहीं तैयार की गई थी, गुरुजी ने बताया नहीं था, हम लोग दिमाग छोटा था, बहुत ज़्यादा बातें हजम नहीं कर पाते, क्यों नहीं बता दिए थे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड यू टाइम, जबकि है क्या सेकेंड क्वेश्चन ऑफ मोशन का ही स्पेशल वर्जन है। कब लागू होता है? व्हेन देयर इज नो एनी एक्सीलरेशन। तो आप तो समझदार हैं, जो भी एक्सीलरेशन लगना है ड्यू टू ग्रेविटी केवल डाउनवर्ड ऐसे नीचे की तरफ, कोई ऊपर की तरफ अगर बात करता तो आप कह दीजिए भाई चलिए माइनस, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं भाई। एक्सीलरेशन जैसे ए है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंपोनेंट कितना होगा? आप कहेंगे ए कॉस थीटा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ए साइन थीटा, और ये जी है ठीक नीचे की तरफ जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंपोनेंट तोड़ने आया था, एंगल तो 90 है, तोड़ दीजिए, तोड़ने की आदत है आपकी, तो जी और एंगल्स लगा हुआ है कॉस जी कॉस 90, और कॉस 90 इक्वल टू 0, तो ओवरऑल इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई भी एक्सीलरेशन नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्यों एक्सीलरेशन नहीं होता जिसको जल्दी से इसमें सिखा दें। मान लीजिए कंपोनेंट आप निकालना ही चाहते हैं तो नीचे की तरफ जी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंगल 90 हो गया, एंगल्स लगा हुआ 90 लगाते हैं, कॉस 90 0 हो गया, इसलिए एक्सीलरेशन नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होने से तो फार्मूला बहुत छोटा सा बचेगा, स्पीड। अब बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा स्पीड है? यू कॉस, और कितने टाइम तक मोशन हो रहा है? वो जितना टाइम ऑफ लाइट, रेंज का एक छोटा वाला हल्का वाला रिजल्ट दिया है यू कॉस थीटा इनटू टी। हालांकि इसको जब फाइनली ओपन करते हैं या और कैसे लिख सकते हैं इसको, यू कॉस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, यू एक्स लिख दे रहे हैं इनटू टी, या फाइनल वैल्यू और ओपन करिए रेंज, इसको सीखा गया था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये भी फार्मूला आपके लिए सही है, ये भी ये ज्यादा कीमती है, ये वाला लोग रटे रहते हैं, इसको जरा एक्सप्लोर करिए। साइन टू थीटा फार्मूला होता है टू बाहर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से यू स्क्वायर है, एक यू को इसके साथ लीजिए, एक यू को इसके साथ, तो यू साइन थीटा हो जाएगा और यू कॉस थीटा हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं यू एक्स और यू वाई के फॉर्म में, टू बाहर यू एक्स इंटू यू वाई बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट बाई जी, ऊपर ट्वाइस करना है, टू लगाना है, समझ गए होंगे। अगर कंपोनेंट दिया जाए तब कैसे निकालते हैं वो सब चीजें सीख रहे हैं, मेन फार्मूला जो सीखे तो सीख ही रहे हैं, अब कंपोनेंट यू एक्स और यू वाई फॉर्म में आज मन कर रहा है सब फार्मूले सीखने। चलिए टाइम ऑफ लाइट आ गया, रेंज आ गया, तीसरा सीखते हैं मैक्सिमम हाइट। अधिकतम ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई, फार्मूला दिखाइए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में टू जी होता है, इसी फार्मूले में टू जी आता है, और यू साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यू साइन मतलब यू वाई है, वाई एक्स यू वाई स्क्वायर बाई टू, अगर कंपोनेंट ही पता हो जाए तो उसका स्क्वायर करके, वर्टिकल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट पता हो तो यू वाई स्क्वायर बाई टू जी कर दीजिए। फार्मूला बड़ा था उसको रेड्यूस करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा एक बार निकाल लीजिए, जन्म जन्म भर के लिए छुटकारा, हमेशा और हमेशा यही रहेगा हॉरिजॉन्टल, चाहे हाईएस्ट पॉइंट पे हो चाहे ग्राउंड टकराते समय चाहेगा।
पांचवा पॉइंट, इंपॉर्टेंट रिलेशंस। पहला रिलेशन बिटवीन एच एंड टी, सिंस इक्वल टू क्या, टू यू साइन थीटा बाई जी। यहां से u साइन थीटा निकाल लीजिए, u साइन थीटा आ जाएगा जी टी बाई टू। पहला ये पहला इक्वेशन। अब हाइट फार्मूला याद करिए, हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में टू। अब देखिए u साइन थीटा की जरूरत पड़ रही है इसमें, h में u साइन थीटा को जी टू बाई टू रखिए, h हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो आप भी इसका स्क्वायर कर दीजिए, जी स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे टू के स्क्वायर करेंगे फोर, और नीचे टू जी है तो आज भी रहेगा, और एक जी देखिए कैंसिल हो गया, हाइट आ गया जी टी स्क्वायर बाई एट। ये मैक्सिमम हाइट का टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ रिलेशन, कैपिटल एच इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई एट। दूसरा रिलेशन बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच रिलेशन, आर और टी के बीच। तो आर इक्वल टू देखा गया था स्पीड, मतलब यू कास्ट का हर इंटरवल वाली होता है ये छोटा सा अच्छा वाला। तीसरा रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर सीधे क्वेश्चन उठ करके आता है, रेंज और हाइट के बीच जो रिलेशनशिप। आज केवल हम लोग डिस्कशन ही कर रहे हैं, कम समय क्लास है लेकिन बहुत ज्यादा चीजें आज सीख जाए। रिलेशन बिटवीन आर एंड एच हो गया, तीन लेटर थे बारी बारी से दो दो को लिया, तीन रिलेशनशिप तैयार हो गए। पहला है ये छोटी, ये दूसरा है आर ओ टी के बीच, आर और एच बीच। देखिए सिंस आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन एंगल डबल टू थीटा बाई जी, और साइन टू थीटा जरा ओपन करिए तो देखिए क्या फायदा मिलेगा, साइन टू थीटा माने टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू यू स्क्वायर और ये आपके लिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई ये रेंज। हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर। अब आप जरा डिवीजन लीजिए, डिवीजन लेंगे आर बाई एच करेंगे, देखिए यू स्क्वायर कटेगा, आर बाई एच करेंगे तो जी पूरा कट जाए, एक नीचे टू जी होता है, यू स्क्वायर और जी निशाने पर है कट जाए, और थोड़ा और ध्यान से देखें एक एक साइन का भी निपटारा हो जाए, ऊपर साइन है यहाँ साइन। अगर आप सचमुच में इतने स्तराक हैं तो मदद करिए, देखिए नाउ क्वेश्चन वन को ऊपर टू को नीचे रख रहे हैं मन में, आर बाई एच क्या हो जाएगा आर बाई एच, यू स्क्वायर बाई जी तो नहीं लिखना है दोनों में से, एक साइन नहीं लिखना, बचेगा क्या टू कॉस, यहाँ साइन एक कटा है, बचेगा क्या साइन बचेगा बाई टू, साइन थीटा बचेगा बाई ये टू ऊपर चला जाएगा, आर बाई एच हो गया टू ऊपर चला जाएगा फोर, और कॉस बाई साइन माने कॉट। आर इक्वल टू फोर एच कॉट या एच चाहते हैं तो फोर हो जाएगा, कॉट को उल्टा टाइम,
आर टेन थीटा बाय, जो आपको अच्छा लगे, हमें तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, आर इक्वल टू फोर एच का क्वेश्चन आया था। रेंज और हाइट सेम है, मैक्सिमम हाइट बताइए एंगल क्या रहा होगा, देख लीजिए रेंज और हाइट सेम, तो इधर आ जाएगा 1/4 थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/4, ये टेन लिखना टेन इनवर्स 4, जिसको कैंसिल दिया जाए। अब छुट्टियों में हो जाएगा प्रॉब्लम, आर इक्वल टू फोर एच कॉट, ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें तीसरे वाले कीमत ज्यादा है। आर इक्वल टू होता है म्यू का सिग्मा इनटू टी, एच इक्वल टू होता है जी टी स्क्वायर बाई एच, और आर इक्वल टू होता है फोर एच काट। चलिए कुछ सवाल हो जाए हल्के वाले प्रॉब्लम। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए तुरंत अभी टूल सीखे उसी पर क्वेश्चन लगवा दें जिनमें क्लियरिटी बढ़ जाए। इफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी जस्ट इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट, अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल, देन कोई थीटा बताइए, ये तो मुझे बानी अभी किए हैं लिखवा दें। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा टैन इनवर्स वन बाई फोर टैन इनवर्स फोर टैन इनवर्स अंडर रूट टू, एक सही देना बाकी गलत बना ही सकते हैं। चलिए सलूशन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आर एच के ठीक बराबर, लेकिन हम लोग फार्मूला जो सीखे हैं वो बताता है फोर एच और वो भी काट थीटा, सिम वैल्यू रखिए आर की जगह भी एच रख दीजिए, विच इंप्लाइज एच इक्वल टू फोर एच काटा। देख लीजिए आंसर सब टेन फॉर्म दिया गया, तो आपकी जिम्मेदारी टेन बदल दीजिए, तो इधर ले आइए, इधर ले आएंगे काट को तो हो जाएगा टेन ठीक है, इधर क्यों लगते हो फोर बचा, फोर किधर है काट किधर, वन बाई काट में तो टेन ठीटा क्या जाएगा, कोई स्पेशल एंगल तो है नहीं, टेन किस तरफ हो जाती है टेन इनवर्स, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला हल्का सवाल, इफ रेंज आप एकदम जनरलाइज करवा दें, प्रोजेक्टाइल बी जस्ट एन टाइम्स, एन गुना है एन से मल्टीप्लाई एन टाइम्स आप मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट, मैंने वह प्रोजेक्टाइल, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
देखिए टाइम के फार्म में एंगल पूछा था, टाइम में आप फेस करना सीखे। भाई जो काट फार्म पूछा था, काट इधर रहने दीजिए, काट इधर रहने दीजिए, काट थीटा इक्वल टू 1/4, थीटा इक्वल टू कार्डिनल्स 1/4। जो टेन वाले में एंगल आएगा तो आप जान ही रहे हैं फाइनल रिजल्ट इस स्टैंडर्ड है, इसी फार्म फेस करना चाहिए। भाई जो कोई पूछे थीटा इक्वल टू काट इनवर्स टर्म बोल कर दीजिए 1/4, ठीक है, एक जानिए बाकी अगले के लिए तैयार रहे। अब इससे ऊपर कोई सवाल ही नहीं बनेगा। 3 times, 4 times, 5 times, 10 times तो ऐसे फुट करिए, 10 सवाल लगाने से बढ़िया n टाइम्स वाला लगा लेते हम लोग। तो क्या दिया गया है सोल्यूशन इसका देखते हैं। गिवन रेंज जो है n टाइम्स है हाइट, लेकिन रेंज और एच का बीच जो अच्छा वाला रिलेशन है वो 4h होता है और इनटू काट होता है, काट तो रेंज की जगह n h रख दीजिए, इसी क्वेश्चन रखिए। ये तो फार्मूला है और ये सवाल के लिए दिया गया है, तो क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको रख दीजिए, एन एच रख दें, इधर आ जाएगा 4h काट, तो h का निपटारा हुआ, काट किधर लीजिए n किधर, यहाँ से काट किधर लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो n को ले जाएंगे 4/n हो जाएगा, यहाँ से थीटा क्या जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4/n। देखिए कितना छोटा सा सोल्यूशन दिया है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में काट के फॉर्म में दिया है तो काटे वाला क्लिक कर दीजिएगा, काट इनवर्स पलट देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर n बाई 4, ये आंसर जो दिया है, चाहे टेन फार्म में 4/n, काट फार्म में तो n बाय 4। चलिए इस तरह प्रॉब्लम हो गई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वेलोसिटी दिया गया है, कोई एंगल है यहाँ थीटा, 3i का प्लस 2j का कर्व, कितने वेलोसिटी से उड़ान भर रहा है, आप बताना टकराते समय ग्राउंड से जब टक्कर होगी तब वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म क्या होगा। ग्रेविटी है यहाँ, ग्रेविटी प्रेजेंस में संभव होता, टकराते समय ये सीन होगा ऐसे इस तरह से, मान ले रहे वेलोसिटी उस समय यू के डैश हो, यू के डैश क्या अकॉर्डिंग एज फिगर, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन विथ ग्राउंड, सीधा सा आंसर ही जानिए इसका, सोल्यूशन चक्कर मत रहिए। हमने बताया था कि सेम सब कुछ वही रहता है, टकराते समय जो उड़ते समय वेलोसिटी वही, टकराते समय बस बदल क्या रहा, इसमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो 2 है जे का कोएफिशिएंट वो वर्टिकल कंपोनेंट, बस दिशा ऊपर उड़ने की थी नीचे गिरने की हो गई, लेकिन पूरे प्रोजेक्टाइल में चाहे जब तक उड़े हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती है, इसका मतलब यू का जो डैश है, यू का डैश क्या होगा, एक्स वाला कंपोनेंट नहीं बदलेगा, बस जे वाला कंपोनेंट बदल जाएगा -2j का, याद रखिए इसको। जैसे हम कहें वेलोसिटी दिया है 3i कैप -4j कैप, बताइए गिरते समय टक्कर होते समय क्या होगी वेलोसिटी, तो आप 3i कैप और यहाँ +4j कैप कर देंगे, समझ गए, केवल जे वाले
कोएफिशिएंट में साइन नहीं चेंजिंग करनी है, वर्टिकल वाले कंपोनेंट में केवल साइन उसका चेंज करना, मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, बस छोटा सा ये नीट में पूछा गया है, अब आपके लिए आसान हो गया। चलिए, अगर वेलासिटी ऐसे वेक्टर फॉर्म दिया जाए इससे रेंज हाइट सब कुछ निकाला जा सकता है, याद रखिएगा ये कंप्लीट क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पर बहुत छोटा सा क्वेश्चन के टकराते समय क्या वेलासिटी होगी, बाकी आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेलासिटी देकर के, ढेर सारी चीजें, टी आर एच सब कुछ वाले। ये 5 स्टार मार्क का सवाल है, ये अभी अभी हमारे दिमाग में आया है, इसका लाभ लीजिए। फिलहाल अभी तक क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं गया है किसी भी एग्जाम में, लेकिन टफ नहीं है इसलिए पूछा जा सकता है, तो आप पहले से एडवांस में सीखे रहें, फायदा लिए रहें इसका। लीजिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्स, चलो देखिए ये पहले तो जानते रहे वेक्टर में एंगल कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप बाय कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप याद रखिएगा, टैन थीटा निकालो, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या दिया जाएगा, आपको सब कुछ डील कर जाएंगे, तो वेलासिटी दिया जाए और एंगल दिया जाए, यू और थीटा दिया जाए, तो टी आर ई एच सब कुछ निकाल लेते हैं। यहाँ पर एंगल नहीं बताया गया, यहाँ पर दिया गया यू, चलिए एंगल थीटा बोल दिया, अकॉर्डिंग एज फिगर, और जी कितना है, वह 10 है, 10 मीटर पर सेकंड। इफ वेक्टर यू इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप देन फाइंड आउट। लीजिए ऐसा सवाल लगा लीजिए जिससे कोई कभी आपको रोक ना पाए, ई आर एच, देखिए इसका दो तरीका बताते हैं, एक तो प्योर मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, जो को मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 69 25 आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और एंगल निकाल लीजिए टेन थीटा इक्वल टू जे का कोएफिशिएंट बाय आई का, टेन थीटा इक्वल टू 3/4, यानी टेन थीटा 3/4 है तो साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5, या थीटे चाहिए 37 डिग्री होता 37। तो यहाँ से दो तरीका है, एक तो यू और थीटा निकाल कर, तो दूसरा और चला कर, गिवन वेक्टर यू इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ से कंपेयर किया जाए तो यक्स एक्सिस के एलांग क्या कंपोनेंट है, यू यक्स 4 मीटर पर सेकंड, वाई एक्सिस के एलांग क्या वेलासिटी है, 3 मीटर पर सेकंड, इसकी मदद से निकाल सकते हैं। अब याद करिए फार्मूला क्या है, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट का 2uy/g, 2 और uy, y कंपोनेंट 3 है, अब y g आपके लिए 10, ये 6/10 यानी 0.6 सेकंड आएगा, एक आंसर आ गया। r निकालना है, r के लिए आया था 2ux uy, दोनों कंपोनेंट चाहिए 2ux uy/g, और 2uy/g देख ही रहे हैं आप, या इतने देखिए 2uy/g, ये तो आपके लिए t हो गया,
यू एक्स इंटू टी भी लिख सकते हैं, या आपने कहा था यू का सीटा इंटू टी, याद करिए यू का सीटा है कि नहीं यू एक्स इंटू टी। यू एक्स आपके लिए देखिए भैया 4 है और टी आपके 0.6। कितना आसानी से कितनी रिलैक्स में हम लोग लगा देते 2.4 मीटर एकदम डेसिमल में एकदम सुबह सुबह से ला दे। और एक लाइन आधे आधे में और लोग एकदम हक्का बक्का एकदम हो चक्का परेशान वेक्टर में देने की वजह से रोना धोना शुरू। हाइट का क्या फार्मूला, हाइट को होता है यू आई के स्क्वायर बाई 2g, यू आई के स्क्वायर, और यू आई है आपके लिए 3 स्क्वायर करेंगे 9, 2g आपके लिए ये हो गया 0.45 मीटर। ये आ गया काम खत्म, नोट कीजिए। इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिवली दूसरे मेथड सॉल्व करना तो अल्टरनेटिवली पहले निकालिए u, सिंस u दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालिए u, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपके डिवाइड होगा फाइनली 5 आ। और tan थीटा क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ j कैप बाई कोएफिशिएंट ऑफ 3/4 हो गया tan, तो एक छोटा सा यहीं पे ट्रायंगल बना लीजिए इसको, ये इसको अगर थीटा बोले tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर और बाई फेस, पाइथागोरस हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये 5 आ जाए। यहाँ से साइन निकाल लीजिए ना, साइन साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस निकाल लीजिए, पूरी समस्या ही एक के बाद हल कर ले रहे हैं 4/4। तो आपको टी आर एस में साइन कॉस की जरूरत है, तो वैल्यू फटाफट रखिए आप, वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा 9। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टी क्या होता है, ये होता है 2u sin θ/2, 2u आपके लिए 5 है और sin थीटा 3/5, नीचे g है और 3/5 है 5 6/10 यानी 0.6। इसी तरह बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, चेक करिएगा आंसर करेक्ट आएगा। तो आज की क्लास बहुत कम समय की थी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव, तेजी से लोग लिखते पढ़ते गए हैं पूरी बात को समझते हुए। अभी 2 इस पर बड़े लेक्चर और होने हैं, तब प्रोजेक्टाइल ऑन ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से ग्राउंड तक मार करने वाले प्रोजेक्टाइल हम लोग पूरी तरह से समझाएंगे, फिर ग्राउंड टू इंक्लाइंड प्लेन समझा जाएगा, फिर मैक्सिमम 3 लेक्चर 4 लेक्चर और होने हैं। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ, आपका दिन मंगलमय हो, सुखद हो, धन्यवाद। Thank you so much.